भाई लोगों को राम राम। इससे आज की भाई साहब स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में, बकचोद बिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। और इससे हमारी बकचोदी बकलोली शुरू हो गई है। चलिए बकचोदी करते हुए हम चलते हैं आगे तक, थोड़ा घूम के आते हैं और मस्त मज़ा लेते हैं सड़कों का। तो भाई मोटो व्लॉग हो रहा है हमारा चालू और मस्त मज़ा चल रहा है। हम जब का मैंने अपना बंद कर लिया है शीशा, कैसी कैसी आवाज़ें आती है, मैंने उसकी आवाज़ अच्छी जाती है, टेंशन हो जाती है, फिर आवाज़ देखो इसको अगर तक काटना था तो टाइम पर काट लेता। मतलब वो लौंडा अंदर कैमरा लेकर के बैठा हुआ है, बकलोली दुकान चला रहा है। ओ भाई बच गए, कति मस्त वाला बचा भाई, कति मस्त वाला, क्या जबरदस्त शॉट था ये। ये तो भाई जबरदस्त रिकॉर्डिंग आई होगी भाई। चलिए मजेदार मस्त नदी भरी अपनी बहुत एक भाई है। ये भाई इसको सारा दे करके बैठा है। भाई रुक के हम डाले जाएंगे, अपना तो आ जाए नदी की रखने लग रहा है, पता नहीं क्यों हो गया इसको बालक में। मज़ा भी तो आता है साला व्लॉग करके, नहीं मज़ा नहीं आता, आप लोगों को आता है नहीं आता यार, कमेंट तो आप करते हो वीडियो में भाई। चैनल को तो सब्सक्राइब कम से कम कर ही सकते हो, नहीं बकचोदी अच्छी नहीं लगती तो भी कमेंट करके गाली ही दे दो यार, बकचोद नहीं देखना तेरा चैनल। लेकिन यार सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना भाई। देखो हम अपनी गांड में दर्द ले करके भी काम कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा तो फिर फायदा नहीं होता यार, मज़ा नहीं आता। चलिए ये भाई कहीं रुक जाओ यार, नहीं जान दो भाई पैदल वाले से। ये भाई आप कौन लेकर निकल रहे हैं भाई, हेलमेट नहीं डालते ना ये लोगों में, बड़ी गुस्सा आती है। भगवान ना करे कोई मिसहैंडलिंग हो गई भाई, हेलमेट सी बी आर लेकर के घूम रहे हो आप और बैंक बातें चोर रहे बिना हेलमेट के, यार ये कोई तरीका थोड़ी। क्या कहा आपने कमेंट करके कि बॉसडी के तुम्हें व्लॉगिंग करनी है इसलिए तुम हेलमेट लगा के घूमते हो। अरे नहीं भाई, बच्चे पालने हमें भाई, इसलिए हेलमेट लगा के। ओहो भाई, ओ भाई 14 फरवरी बन रही है भाई, फुल ये देखो भाई 14 फेब में आपका स्वागत है। सबकी 14 फेब तो जा चुकी है। चलो भाई फटाफट निकालो यार, ये पहले लाल बत्ती लंबी कट जाएंगे नहीं तो ये नहीं भागना ही है। चलो भाई निकल गए, प्लस भी आ गई है, इंजन बढ़ा दिया इन्होंने, पैसे बढ़ा दिए, इंजन नहीं बढ़ाए भाई। जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, गुरखा मुझे बड़ी मस्त लगी थी, तो मनाली गया था वहाँ मैं से गुरखा मैंने देख ली भाई, पर अपने ग्रुप में कभी
यार पैसे टके। देखो भाई मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, बड़ा ज़्यादा अमीर तो जो बनाया है अपने ही दम पे बनाया है, बाप दादा ने, बाप ने दुकान लेकर दे दी थी एक, उसके बाद जो बनाया है मकान वकान सब कुछ अपने उससे बनाया है, ऐश की खिड़की कैमरे ये सब चीज़ें सब अपनी में दम से बनाए गए हैं तो, लेकिन यार पैकेट फटी रहती है। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा या नहीं देखा, तो आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हो, मैं नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक ही दे रखे हैं पूरे पूरे मैंने सबके, चलिए आप तो वहाँ से देख सकते हो। कुछ लोगों को बड़ा मन करता है मेरी फोटो देखने का, मतलब मुझे देखने का कि मैं हूँ कौन, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक कहना उसमें मेरे और चैनल्स का भी है जिसमें मैं पूरी तरह से सामने आता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ बोल नहीं रहा, थोड़ा और ईजी हो जाता है, मेहनत करोगे यार थोड़ा तो। चलिए अभी तो हाल फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, मस्त मज़ा लेते हैं। और ये भाई लाल बत्ती में यार देखो यार, हम तो जंप करते जब खाली होती है, लेकिन ये देखो यार हमारी खुली हुई है तब भी भरी हुई गई नहीं कोई चैनल, इसको साले को सबसे ज़्यादा जल्दी लगी है यार। ये गाइस यहाँ पर जो है सबसे साथ है ये रोहिणी का, रोहिणी का रोहिणी है ये सबसे साथ, देख रहे हो क्या हालात है दुनिया में भाई। आप लोगों के कैमरे में नहीं आया होगा वो बिल्कुल बगल से था मेरे लिए। ओह माय गॉड, सोचते हैं ये तो भाई गाड़ी वाले की बात की आप मैं से धान को लगा कर बताए स्कूटी को, और ये लेडीज तो और महान है भाई हमारे देश की, खास करके भाई ने कहीं चलानी नहीं आती है, रैम से कहा किसको ठोक देती है उन्हें खुद नहीं पता होता। एक बार की बात है ना, ब्लॉगिंग करता था शायद, पता नहीं ध्यान दीजिए कब नहीं करता था या करता था भाई, बड़ा मस्त था माहौल था, और भाई पीछे वाहन से लेडी सब देखा, ये करती हैं ये लेडीज हमारे देश की, देख रहे हो आगे से गाड़ी जा रही है और इसने एकदम निकाल दी बहनों वाहन से, कितनी बचाई, कितनी बचाई देख रहे हो आप, जबरदस्त एक्सीडेंट होते होते बच गया भाई आज तो मस्त वाला। बताओ चलिए गाइस अभी थोड़ा सा मिलता हूँ आप लोगों से, जहाँ पर आया था मैं वो आ गई है जगह, तो इसके बाद आप लोगों से दोबारा रिटर्न में चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस फिर से मिलने के लिए शुक्रिया, चलिए अब निकलते हैं वापस घर को, यहाँ एक छोटा सा काम था वो हो चुका और मस्त मज़े ले लिए हैं, नज़ारे काट लिए गए हैं सारे के सारे। फिर मिलेंगी हमें दिल्ली की औरतें सड़क पे, हमारा एक्सीडेंट कर रहे हैं बाहर बैठी होंगी, आज हमको सुन लीजिए पप्पी नहीं देती हैं वैंच और एक्सीडेंट कर देती हैं, बताओ यार ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अंकल जी जो है गाड़ी लगाने के चक्कर में सबका नाश कर देंगे, वैंच डेढ़ घंटा लगा देंगे घुमाने शुमाने में, ट्रिपल सवारी आ दिल्ली तो भैड़ चो भी हो गया ट्रिपल सवारी। आए थे किसी काम से, मजदूरी काम था, पेमेंट लेनी थी, बच्चों को लेकर जाना है बाहर घुमाने के लिए, अभी बड़ी है भाई घुमाने का पेमेंट जगह से इकट्ठी करो भैड़ चो ले दो
ठीक करो यार। वैसे तो काम पहले इतना मंदा हो रखा है भाई, पूछो मत। मैंने ग्राफ तो दिख ही नहीं रहे, जैसे मर्जी समझ लो। ओहो भाई, क्रेटा को उछाल रहा है वो, तो ब्रेक मारी थी इसने, ब्रेक मारी थी। ओ पाशाब, सारे ही हमारे आगे आते हैं वो सभी के, चला सा भी कटनी मार के रहते भाई। भाई आंटी का सीन बड़ा मस्त लगा था, किसी का लगा हो या ना लगा हो, आंटी का सीन बड़ा मस्त था। इंश्योर अचानक आई और आके खड़ी हो गई। अरे तेरी माँ की चीज निकल जाती सुसरी। देखेंगी नहीं बहन चो आती, इनको कुछ नहीं है चलानी। देखेंगी नहीं राइट लेफ्ट, बहन चो कुछ ज्यादा बस आंटी है मेरे पति घड़ा दुखी कर रखा है इन्होंने, घड़ा दिखी। अच्छा यहाँ पार्किंग को लेकर दिल्ली में बड़ा पंगा है भाई, चलिए देख लो। एक एक लाइन तो दुकानदारों की हो गई है, उसके बाद कस्टमर की पार्किंग हो गई। तो भाई खाने लग रहे हैं, व्यवस्था ना देंगे। अभी चाट पकौड़ी का चक्कर है लेते हुए, ये बताओ भाई। ये चाहे तो आगे लगा सकता है, नहीं भाई ये बात होता है भाई। नॉर्मल मस्त आवाज है ना बस की, पहले वाले की मस्त है, बाकी जो ऐसे ढूंढे लंब की है ना किसी आवाज नहीं है। जब मुझे नहीं पता माइक में आवाज़ कैसी आती है, इसमें पता नहीं आज से यह बताया बस। चलो यार हम तो लाल बत्ती हो लेंगे, हम बैठे लेफ्ट लेकर के आगे जाकर राइट हो लेंगे हमारा क्या। अरे यार मैं कम ले रहा है सामान मंगाया था, देखते चलो चल लेते चलते हैं यार। चलो यार बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लेना था, चलो देखते हैं अभी देखते हैं। तो दो मिनट के लिए फिर बीच में रोकूँगा अभी उठ करके, पहले सामान ले लूँ एक बार, पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। बच्चों की तो बहुत कर रहा हूँ, क्या पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, बता दिया करो यार कमेंट शॉमेंट करके यार। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ हमें कि हमारी बकचोदी कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है नहीं लगती है, नहीं लगती है तो क्या कमी है, कमी बताओ यार। जो ऐसे थोड़ी ना होता है, देख लिया इंटरटेनमेंट ले लिया अपना बस, उसके बाद वाजू कौन मैं काम खा है। मैं जो स्कूल के बाहर मम्मियाँ बड़ी सारी होती हैं, हमारा बच्चा तो कभी नहीं कहता पापा मम्मी को भेजा करो, आप ही आया करो पापा मम्मी को मत भेजा करो। हाँ सच में मैं जो हमारा बच्चा कभी नहीं कहता मैं जो कि मम्मी को भेजो, आप ही आओ पापा। एक्चुअल में उसकी मम्मी बहन से रिक्शे के चक्कर में लेट हो जाती है और पिटती है, सारे बच्चे चले गए मैं अकेली बैठी थी क्लास में। अरे बेटा फिर क्या हो गया, बच्चे ही तो गए थे क्या हो गया। हाँ आप बैठ के देखो एक दिन क्लास में खाली, पता चल जाएगा आपको भुट्टे भूलने के लिए बैठी थी मैं। अच्छा तो कोई बात नहीं भाई। हाँ भाई हेलो भाई छोटा नहीं क्या क्या है भाई, अरे तो बड़े लोगों के भाई जान नखरे। चलिए गाइस अभी दो मिनट के लिए कैमरा बंद करूँगा, फिर आप लोगों से दोबारा मिलूँगा। तो गाइस फिर से मुलाकात हो रही है आपसे, बहुत स्विच ऑफ करने लगा हूँ मैं कैमरा आजकल, यार क्या करूँ बाप हूँ ना, तो बच्चों के हिसाब से चलता हूँ, बच्चों के लिए चलता हूँ, बच्चों के तरीके से सोचता हूँ, तो थोड़ा सा इसीलिए हो जाता है ऐसा। यार बच्चों के बिना सोचे कैसे चलेगी मेरी गाड़ी। आप भी शायद देखिए ऑब्वियसली बात है, ये बच्चे तो सुनते नहीं होंगे मेरा चैनल को, बड़े ही सुनते होंगे, तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं।
बस फ़र्क इतना है, मैं किसी काम से निकलता हूँ तो बकलोली कर लेता हूँ और नहीं तो नहीं करता हूँ। तो बकलोली अपनी अलग ही होती है, दुनिया की होती है, ये तो आपको पता ही है। अरे यार चलो छोड़ो यार, ये सेब अच्छा लग रहा है। देखो जी हम चला जाए, जाना जाए वहाँ को पहले देखनी है, चलाने के लिए धीरे धीरे चलेंगे। चलो अच्छी बात है, दोस्तों का ध्यान रख सका, नहीं तो भाई अंधोगी तरह चलती है। अभी बड़ी मानस चलती है भाई, कई बार तो बहुत गुस्सा आपके सामने ही है। आज के ब्लॉग में पूरी स्कूटी वैन चुन हिला दी इस बार, क्या करें भैया, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सेब नहीं अच्छा, ये सेब ठीक था, देखें ये वाला भी। एक सेकंड के लिए कैमरा और बंद कर दें, ये आपके सामने देखें। सेब कैसे दिया बेटा, सेब सेब दिखाइयो, जूसी वाला कौन सा है ये। हाँ तो भाइयों निकल चुके हैं आप मजे से फिर से, मस्त के चक्कर हमारे कुत्ते में आके फायदा भाई, हम खाना मुगंजों के चक्कर में मैं से लंबे नहीं। चलो यार अब भाई बच्चों के लिए सेब भी ले लिया, घी भी ले लिया, दही भी ले लिया, पनीर भी ले लिया। भाई क्या करें भाई, पापा है तो पापा की तरीके से ही चलेंगे ना भाई, बाहर की तरफ आए हैं। चलो फैसल तो नहीं निकला जाता, चल ख़त्म होने वाला है, मैडम कह रही थी ले लिया। अब क्या वैनचोद, ए भाई ऐसे चक्के देख रही है ऐसे वैनचोद पूरी गाड़ी का अंडर पास ही है, गार्डन ना घूम रही है छोरी तू। गार्डन मचा रखा है, धीरे धीरे लांग रही है, सड़क को सड़क ही ना समझते हैं ये वैनचोद। तुर्की से लोगों ने, कईयों ने तो कभी घड़ाबीकी कर रखा होता है ये। मेन रोड आ गई वैनचोद, अंदर से बाहर वो आ गए, अब हम हमारी स्पीड और बढ़ जाओगी, अब भागेंगे भाई कभी भागेंगे। दिल्ली वालों की गाड़ियों में इतनी बड़ी खुजली होती है, वहाँ से नहीं खड़े निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इन्हें सबसे आगे पहुँचना है। इसे हटे गाड़ियों खुजली 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 हमसे ज़्यादा खुजली वाला आगे वाला भी है। देखो भाई इसकी गाड़ में बड़ी वाली खुजली थी हमारी तरह। चल भाई हमारी बड़ी खुजली हो गई है ये भाई साहब, मस्त जिंदगी था कॉलेज लाइफ भाई, अपनी याद आती है ना तब पता याद आती है, सच में भाई मज़ा आता है कभी याद करते थे भाई साहब। ठंड मैं अब छोटा था, आप क्या बताता हूँ आज। चलो मैं, मेरा एक दोस्त त्रिपाठी, एक लोवी, हम तीनों थे, हम एक्चुअल पंक बहुत मारते थे भाई, चोरी छारी ना थी हमारी ज़िंदगी में, कहीं कोई सोचे बैठ जो बंक मार के चोरी छारी के चक्कर में भाई। चोरी छारियाँ मतलब उस कॉलेज की तो थी ना, बाहर की थी जो भी थी, और मस्त मज़ा मारते थे हम लोग उस समय भाई। हमारे टाइम पे नया नया आया था याहू चैट बॉक्स, ये वो फला ढिकाना, वो याहू मैसेंजर चलता था वो भाई, पता नहीं कौन कौन सी चोरियों पर बात करा करते थे अपनी आग बुझाने के लिए।
भाई। अच्छा हमारी ना अटेंडेंस रहती हमेशा ही शॉर्ट रहती थी, हमेशा अटेंडेंस शॉर्ट। भाई त्रिपाठी के यहाँ यहाँ एक डॉक्टर था, एक दिन हम त्रिपाठी के वहाँ से निकल रहे थे, हमने क्या किया वैचो वो डॉक्टर के यहाँ उसका लेटर आईडी बनवा लिया वैचो प्रिंटिंग प्रेस से और वैचो एक डॉक्टर आर के सुन कर गया, पता नहीं क्या नाम था उसका, वैचो ने तो नाम भी भूल गया, उसकी वैचो स्टैम्प बना ली भाई। हर महीने मेडिकल वैचो एक ही डॉक्टर से और वैच चल आपस में एक दूसरे को छेड़े वैन के लौड़े, तेरे को एड्स हो गया इतनी छुट्टी करता है भाई। कति गड़े मजे मारे थे हमने, कति गड़े मजे भाई। 70% अटेंडेंस थी हमारे कॉलेज में, हमारी 35% से ज़्यादा कोई अटेंडेंस कभी नहीं हुई थी भाई। हर महीने मेडिकल दे रहे हैं हर महीने। अच्छा वो सुसरा उस समय तो भाई माँ बाप के पैसों में होते थे, 10-20-30-50 रुपए मांग लो तो गांठ फट के हाथ में आ जाती थी अपनी वेंचर, बाप से मांगने कैसे है। और भाई जो फट रही थी फटने देते थे, और भाई फिर उसके बाद तो वेंचर प्रिंटी के करा के रख लिए वाजड़ी के। आओ भाई क्लास के कई बच्चों को वेंचर मेडिकल बना करके उसके पैसे पूरे कर लिए हम लोगों ने, वेंचर लेते थे बच्चों से वेंचर मेडिकल डॉक्टर बन गए थे हम कभी। चलिए गाइस अब घर आने वाला है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा हम कहाँ रहते हैं, इसीलिए आप करते हैं आज का ब्लॉग को हम यही करते हैं अंत। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग बहुत मज़ेदार लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज के लिए बाय बाय।